क्या मेरी आवाज आ रही है? प्लीज मुझे बताएं, एम आई ऑडिबल? यस, मुझे कमेंट में बताएं अगर आप सबों को मेरी आवाज आ रही है, जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। ओके, ऑलराइट, आवाज आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, स्वागत है, वेलकम। मैं रविकांत घोष आप सबों का बहुत दिनों बाद फिर से स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में, जहां आज हम लोग म्यूजिकल क्विज करने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है। जी हाँ, वर्ल्ड म्यूजिक डे। ऐसे तो आज एक और बहुत ही खास दिन है, इंटरनेशनल योगा डे भी है, उसके ऊपर भी हमने क्विज करा रखा है ऑलरेडी, तो ये एक टॉपिक जो था वो छूटा हुआ था, तो आज एक म्यूजिक डे के ऊपर हमने खास एक क्विज का एक आयोजन हमने सोचा। तो आप सबों का पहले हार्दिक स्वागत करते हैं, और क्यों ना आज एक म्यूजिकल डे है, म्यूजिक का दिवस है, अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक डे है, तो एक गाने के साथ शुरुआत की जाए। क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं आप लोग? वर्ल्ड म्यूजिक डे, मेरा फेवरेट, मेरे दिल से बहुत ही जुड़ा हुआ ये खास दिन है, म्यूजिक डे। थोड़ी देर के लिए मैं टाइमर को यहां पे रोकूंगा और आप सब उसे जानना चाहूंगा, क्या आप सभी लोग चाहते हैं? मैं एक साथ लाइव हूं, आपको बता दूं, मैं एक साथ लाइव हूं अभी फेसबुक पे और यूट्यूब पे। यूट्यूब पे हमारा चैनल है क्विज क्राफ्ट इंडिया, जिसपे हम लोग सिर्फ क्विज लेके आते हैं, तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पे ढेर सारे क्विज, वर्ड गेम, पजल आते रहते हैं। और मैं दूसरी तरफ अपने फेसबुक पे भी लाइव हूं, तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पहले तो मैं उनका धन्यवाद कर दूं। और आज काफी सारे लोग कमेंट में मुझे यूट्यूब पे लिख रहे हैं, यस सर यस सर। फेसबुक पे अभी हमारे साथ कम लोग जुड़ पाए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेसबुक पे जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, थोड़ा कमेंट में मुझे बताएं, थोड़ा हौसला अफजाई करें, तो मैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ आज के इस क्विज का शुभारंभ करूंगा, क्योंकि आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है तो म्यूजिक तो बनता है। मेरे पास कोई बहुत बड़ा सेटअप नहीं है साउंड का, मिक्सर विक्सर वाला जो होता है, हेडफोन वगैरह लगा के, वो पूरा माइक वाइक लगा के जो होता है, तो वो सब तो कुछ नहीं है, बट जैसे है मैं वैसे ही प्ले करके आप लोगों को सुनाता हूँ, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो देखता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, पहली बार है ये लाइव में गाने गाने का जो प्रयास है मेरा, लाइव आके, ये इससे पहले मैंने कभी नहीं किया है, तो हो सकता है कि बहुत अच्छा ना जाए। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे हैं, जरूर सर सुनाइए, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। कल फादर्स डे भी था, और उसकी भी एक तो शुभकामनाएं बनती है एक छोटे से एक सॉन्ग के माध्यम से। पहले तो मैं सभी जितने भी फादर्स हैं और जितने भी बच्चे हैं, उनके तरफ से उनके फादर को मैं ये डेडिकेट करता हूँ, खास करके पेरेंट्स के लिए। मैं अपने पिता को, जहाँ भी कहीं हैं वो मुझे देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आप सबों के सामने अभी हैं जो भी हैं, तो उनको ही डेडिकेट है, आप सबों के तरफ से भी आपके पिता को भी डेडिकेट कर रहे हैं ये सॉन्ग को। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला, हो कांधे पर बैठ के जिनके देखे जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला, इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना ना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। थैंक यू,
तो ये था सबसे पहले, चूंकि कल फादर्स डे बीत गया है, तो सभी पिता को, सभी जितने भी पिता हैं उनको मैं अपनी तरफ से ये सॉन्ग डेडिकेट करता हूँ, और मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, तो उम्मीद करता हूँ आप सबों को पसंद आया होगा। क्या आप सबों को पसंद आया, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। आगे अभी मैं क्विज की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा टाइमर चला लेता हूँ, बीच बीच में मैं गाने बजाते रहूंगा, साथ साथ ये भी चलते रहना चाहिए, ठीक है जी। तो म्यूजिक के बारे में क्या बात करें, म्यूजिक तो आप जान ही रहे हैं कि ये वैदिक काल से भी, पूर्व से भी ये चलता आ रहा है। संगीत का जो मूल स्रोत है वो वेदों में भी माना गया है, गायन, वाद्य जो हम लोग बाजा बजाते हैं, नृत्य है, ये तीनों कलाओं का जो समावेश है ये संगीत में माना जाता है। और संगीत जो है वो एक ऐसी दवा है, कहते हैं कि एक ऐसी दवा है जो हमारे मन के विकार को ठीक करता है। हम जब भी कभी दुखी होते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं तो मन हल्का हो जाता है, गा लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जब भी कोई पार्टी होता है, जब भी कोई सॉन्ग हम लोग बजाते हैं, पार्टी में सॉन्ग बजाते हैं, तो वहां पे भी हमारा जो है वो पूरा पार्टी का रौनक ही बढ़ जाता है। तो आप समझिए कि म्यूजिक हमेशा हर ओकेजन में हमारे साथ रहता है और हमको भरपूर आनंद देता है। तो आज उसी के ऊपर कई सारी चीजें हैं जो हम लोग कुछ क्वेश्चन वर्ल्ड म्यूजिक डे पे खास करके एक उठा के लाए हैं, जो आप सबों के बीच हम रखेंगे। बीच बीच में कुछ सॉन्ग्स भी गाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाना जो है वो मेरा पैशन है, ये हॉबी है, बचपन से गाना गाना एक शौक रहा है। आपके बीच हम फेसबुक के माध्यम से कुछ गानों को लेके हम आते भी रहे हैं, तो एक दो गाना भी ट्राई करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगेगा। शुरुआत में हमने अपने जितने भी फादर हैं, जो फादर हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे जो अंकल हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको डेडिकेट हमने किया है। तो क्या आप लोग सब तैयार हैं आज के क्विज के लिए, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं? बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। फेसबुक पे मुझे कोई कमेंट नहीं आ रहा है। Playing from desktop i8 Pro 3L. सॉरी, थोड़ा सा आज ऑडियो का गड़बड़ी हो रहा है, थोड़ा सा सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है ऑडियो, इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं। एनीवे, तो आप सबों के लिए खास हाजिर है एक सॉन्ग, प्यारा सा, क्विज को शुरू करने से पहले। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना, देखो कहीं यारो ठुकरा ना देना मेरा नजराना,
दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आज क्विज थोड़ा सा म्यूजिकल है, म्यूजिक डे के ऊपर थोड़ा म्यूजिक रखे हैं, थोड़ा इंतजार करवा रहा हूं आप लोगों को, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। आज का दिन है इतना सुहाना, झूम रहा प्यार मेरा, हो पूरी हो दिल की सारी मुरादें, खुश रहे यार मेरा, हो चांद सा जीवन साथी मुबारक, जीवन में आना दीवाना लेके आया है दिल का तराना, दीवाना लेके आया है दिल का तराना। थैंक यू थैंक यू। चलिए अब हम लोग क्विज की शुरुआत करते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये गाना, प्लीज मुझे बताइए कैसा लगा, क्या ठीक ठाक आवाज आ रही थी? अगर ठीक ठाक आवाज आ रही थी तो आगे भी कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं गाने को यहीं पे विराम दूंगा और क्विज को शुरू करूंगा। तो अब आप लोग सब क्विज के लिए तैयार हो जाइए। पहली बार हमने लाइव गाने की कोशिश करी है इस तरीके से म्यूजिक के साथ में, अभी तक नहीं किया था, तो गलती अगर कुछ भी हो तो माफी चाहता हूं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे के खास क्विज के ऊपर, शुरू करते हैं इस क्विज को। सो बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो आज हम संगीत के साथ क्विज की शुभारंभ किए हैं वो पसंद आया होगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए आप लोग सब अब तैयार हो जाइए। वर्ल्ड म्यूजिक डे क्विज में आप सबों का फिर से रविकांत घोष स्वागत करता है। हाँ हाँ, बहुत सारे लोग गाने की तारीफ कर रहे हैं भाई, धन्यवाद, आपको गाना अच्छा लगा। मैं बहुत बहुत, कुणाल जी लिख रहे हैं फेसबुक पे, धूम मचा दिए सर, अरे थैंक यू सर, वाह सर, कई जय हो लिख रहे हैं। संगीत स्वयं में एक योग है, यस संगीत भी स्वयं में एक योग है। चलिए पहला प्रश्न आ गया, अब आपके स्क्रीन पे देख लीजिए। 1982 में जैक लैंड एंड मैरिस फ्लेरेट द्वारा पहला संगीत दिवस किस शहर में मनाया गया? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या रियो डी जेनेरियो? वर्ल्ड म्यूजिक डे पे खास ये प्रश्न है। जिस शख्सियत की नाम अभी हम का नाम मैंने भी लिया यहां पे, जैक लैंड और मैरिस फ्लेरेट, ये जो थे फ्रांस, सॉरी गलती से मेरे मुंह से कोई कंट्री का नाम निकल गया तो सॉरी, ये जो थे उस जिस भी देश के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसका नाम पूछा गया है, वो वहां के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब सांस्कृतिक जो मंत्रालय होता है, सांस्कृतिक जो जहाँ पे नाच गान जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके जो मंत्रालय होते हैं वो उसके वो मंत्री होते हैं, हेड होते हैं, और उन्होंने 1982 में खास इस दिवस को, आज के दिवस को 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में पहली बार सेलिब्रेट किया था। कौन से शहर में मनाया गया था? हालांकि गलती से मैंने देश का नाम बोल दिया था। अब आप लोग समझदार हैं, अगर पकड़ पाए तो पकड़ लीजिए। आज जैसा कि आप लोग सब जानते हैं वर्ल्ड म्यूजिक डे है, हमने गाने से शुरुआत करी है, मैंने कोशिश किया है, लाइव कभी मैंने इस तरीके से आप लोगों के बीच आके गाना गाया नहीं हूं, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जवाब दे दीजिए। जैक लैंग जो थे और ये मॉरिस फ्लेरेट, पेरिस, यस पहला क्वेश्चन, जबरदस्त, सभी लोग बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन और बहुत बढ़िया यहाँ पे आंसर किए हैं,
सभी के सभी 100% यहाँ पे करेक्ट आंसर आया है, बहुत बढ़िया। पहला ही क्वेश्चन जैकपॉट, जबरदस्त आप लोगों ने खेला है। अगला प्रश्न अब 3 सेकंड में आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। एक संगीत संदर्भ में शब्द का प्रयोग 1915 में शिकागो डेली ट्रिब्यून में प्रलेखित किया गया था। 1915 में एक डेली ट्रिब्यून है पत्रिका, वहां पे छपी थी। क्या था कि नेशनल पब्लिक रेडियो के साथ एक साक्षात्कार में संगीतकार यूबी ब्लैक ने इस शब्द के साथ एक प्रस्तुति दी थी। यूबी ब्लैक नाम के संगीतकार थे, एक साक्षात्कार में एक प्रस्तुति दी और वो एक खास संगीत बन गया। वो कौन सी विधा है आपको बताना है, वो कौन सा संगीत के बारे में बात हो रहा है। यूबी ब्लैक बहुत बड़े संगीतकार थे, ये रेडियो जॉकी भी थे। 1915 में शिकागो में अपने जितने भी कलेक्शंस थे उसको एक ही जगह सम्मिलित मिलाया और एक खास एक गाने का जो था उसको एक विधा जिसको जेनर बोलते हैं वो दे दिया। बताइए उन्होंने ये नाम दिया था, आज बहुत ही पॉपुलर है ये पूरे वर्ल्ड में, इसको बहुत ही फेमस एक म्यूजिक का जेनर माना जाता है। इंडिया में भी, बॉलीवुड में भी इस गाने को गाया जाता है, इस तरह के गाने को गाया जाता है। आपको बता दें कि पहले जो हुआ करता था ये एक स्लैंग लैंग्वेज हुआ करता था, जिस वर्ड की बात हो रही है पॉप, जैज, रॉक या हिप हॉप, इस चारों में से कोई एक वर्ड है। पहले ये स्लैंग लैंग्वेज गाली के रूप में लोग इस्तेमाल करते थे उसको, लेकिन यही वो यूबी ब्लैक हैं जिन्होंने उस गाली को भी एक संगीत के जेनर का दर्जा दे दिया और आज पूरी दुनिया इस जेनर को यूज करती है, अपने म्यूजिक में यूज करती है, बहुत ही प्राउडली इसको बजाती है, डांस करती है, पार्टी होता है। यस दैट इज जैज, ये पहले जे ए एस एस जैज हुआ करता था जो अब ये जैज हो गया है। और ये जैज कैसे हुआ, तो ये यूबी ब्लैक ही थे जो एक साक्षात्कार में अपना पूरा पिछला जो रिकॉर्ड था उसको एक जगह सम्मिलित किया और उसको एक नाम दे दिया। ठीक है जी, चलिए एक कभी देखिए स्क्रीन पे मैं आपके यहाँ पे इमेज ला रहा हूं, आप ध्यान से देखिए इसको। बताना है आपको कि ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध बैंड था, ये दुनिया का सबसे प्रसिद्ध बैंड है, ये बनाने वाले ये 4 लोग हैं। किस बैंड को बनाया इन्होंने, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, आपको हिंट में दे रहा हूं, आप नाम बोलेंगे मैं नाम बता दूंगा। जॉन लियोन, पॉल मार्कनी, जोरी हैंसन एंड रेंगोस्टन, ये 4 लोग थे। ये चारों मिलके एक जबरदस्त बैंड का निर्माण किया और वो विश्व का बहुत ही बड़ा नाम बनाया वो बैंड। कौन सा बैंड था, द रॉलिंग स्टोन्स, लाइकिंग पार्क, द बीटल्स, पिंक फ्लॉयड। अब चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा बता दिए हैं तो ये आपको बता दें कि अमेरिका के बैंड थे, अमेरिका का ये बैंड है। अभी एक साथ हमारे साथ यहाँ पे लोग, जो भी लोग आज हमारे साथ क्विज में शामिल हैं वो YouTube पे और Facebook पे दोनों पे हमारा चल रहा है लाइव एक साथ, तो जिनको भी म्यूजिक से इंटरेस्ट होगा और वर्ल्ड म्यूजिक डे के बारे में जानना चाहते होंगे वो जरूर शामिल हों क्विज में। द बीटल्स, यस द बीटल्स इज द राइट आंसर, काफी सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, एक सिर्फ हम देख पा रहे हैं कि वो गलत आंसर दिए हैं, द लिंकिन पार्क लिखा है उन्होंने। तो द बीटल्स बहुत ही फेमस, दुनिया का सबसे बड़ा बैंड माना जाता है ये आज भी। चलिए अगला क्वेश्चन आगे आपके स्क्रीन पे देखिए। ग्रैमी पुरस्कार संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए दिया जाता है। ग्रैमी आप जानते हैं, जैसे नोबेल होता है समाज सेवा में, फिल्म में, किताब लेखन में नोबेल पुरस्कार, वैसे म्यूजिक में ग्रैमी पुरस्कार होता है, उतनी बड़ी ख्याति इसको मिली हुई इस पुरस्कार को। भारत में कौन से व्यक्ति जो सबसे पहले ये पुरस्कार लिए थे, पंडित रविशंकर, AR रहमान, लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, आपको ये बताना है किन्होंने भारत में सबसे पहले इसको हासिल किया। और जान के आपको बड़ी खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा कि वो व्यक्ति एक नहीं 5 बार ग्रैमी पुरस्कार हासिल किया। 2013 में उनको ग्रैमी के तरफ से 2 पुरस्कार मिला, एक तो ग्रैमी मिला और दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी ग्रैमी पुरस्कार मिला। 5 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला, मैं हिंट दे रहा हूं आप समझ लीजिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं।
ये सारे लीजेंड कलाकारों का लिस्ट यहाँ पे है, लेकिन इसमें से कोई एक ऐसे लीजेंड है जिसको पूरी दुनिया ने जाना, जिन्होंने अपने खास संगीत को, क्लासिकल म्यूजिक को, इंडियन म्यूजिक को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया, और इसी वजह से उनको ग्रैमी पुरस्कार 5 बार 1968, 1973, 2002, 2013 और 2013 जो मिला लास्ट, उसमें दो बार मिला. यस, दैट इज पंडित रविशंकर, सितार वादक. इन्होंने सितार के माध्यम से क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पूरी दुनिया में नई पहचान दी, पूरी दुनिया में लेके गए, और उन्होंने बताया कि सितार का म्यूजिक जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का कितना इंपॉर्टेंस है, और दुनिया ने उसका लोहा माना और ग्रैमी पुरस्कार 5 बार उनको मिला. चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. एक फोटो देखिए फिर से आप, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप पढ़ भी सकते हैं, मैं फिर से पढ़ देता हूं. उनके द्वारा, किनके द्वारा, ये जो सामने फोटो देख रहे हैं आप, ये कौन है भाई? तो पोलास सेन इनका नाम है. ये भारतीय बैंड की स्थापना किए थे खास. पहला जो इनका एक एल्बम आया था वो धूम पिचक धूम आया था. कौन है ये बैंड, कौन सा बैंड की मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने कौन से बैंड को बनाया था? बहुत ही फेमस, इंडिया का बिगेस्ट बैंड, फेमस बैंड इसको माना जाता है. काफी सारे गाने पॉपुलर हुए इसके, यूफोरिया, इंडियन ओशियन, फॉसिल, सिल्क रूट. मैंने नाम हालांकि बोल दिया है, जो व्यक्ति हैं इस बैंड के, जो करता धरता जिन्होंने बैंड का निर्माण किया, पोलास सेन. बड़े अजीब अजीब से गाने इन्होंने बैंड के द्वारा दिया था हाल ही में. हालांकि धूम पीछे धूम आप पकड़ चुके होंगे. अभी हाल ही में संयोनी करके भी एक गाना आया था, संयोनी संयोनी, तो वो भी इसी बैंड के द्वारा बनाया गया था. और भी कई सारे हिट ट्रैक्स पोलास सेन एंड उनकी बैंड के द्वारा बनाया गया. कौन सा बैंड है जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं? क्वेश्चन नंबर 5. नाम से बंगाली दिखते हैं, लेकिन जन्म इनका बनारस में हुआ. नो साउंड, क्या मेरी आवाज आ रही है? नाम से बंगाली दिखते हैं. श्रीजन लिख रहे हैं नो साउंड. यूफोरिया इज द करेक्ट आंसर. काफी सारे लोगों ने यूफोरिया लिखा है और दो ही लोग थे जो गलत हो गए थे. साउंड तो आ रहा है, सभी लोग लिख रहे हैं साउंड आ रहा है. चलिए मैं एक बार इसको, आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए. सृजन आप अपना ऑडियो चेक कीजिए. 1951 में क्लीवलैंड स्थित डिस्क जॉकी, डिस्क जॉकी होता है जो डीजे वगैरह जो बजाता है, डीजे डिस्क जॉकी, ठीक है, डी फॉर डिस्क जॉकी, एलन फ्रीड एक होते हैं जो रेडियो पर किस शब्द को लोकप्रिय बनाते हुए संगीत शैली को बजाना शुरू किया. वो एक खास शैली बजाना शुरू किए रेडियो पे, उसका वो नाम दिए 1951 में. आज भी लोग उस वर्ड को खूब यूज करते हैं, लेकिन 1951 में एलन फ्रीड ही थे जो इस तरह के म्यूजिक को, म्यूजिक शैली को एक स्पेशल नाम देते हैं जो आज भी बड़ी पॉपुलर है. क्या वो इंडी पॉप है, रिदम एंड ब्लूज है, रॉक एंड रोल है, या डिस्को है? 1951, सोचिए उस समय डीजे बजाते थे और रेडियो पे भी आते थे वो. उन्होंने खास वर्ड दिया, बताइए, इंडी पॉप, रिदम एंड ब्लूज, रॉक एंड रोल. आंसर में सिर्फ कमेंट का नंबर लिखना है, 1, 2, 3, 4. आपको लगता है एक सही है तो एक लिख दीजिए, दो सही है दो लिख दीजिए, तीन सही है तीन लिखिए, चार सही है चार लिखिए. चलिए तीन नंबर पे कुछ लोगों ने लिखा है, चार लोगों ने मैं देख पा रहा हूँ, निहार, के सत्या, स्नेहा एंड नारायण. इसके अलावा सभी लोगों ने डिस्को लिखा. यस, रॉक एंड रोल. रॉक एंड रोल जो करते हैं ना, गाना भी चल रहा है और डांस भी चल रहा है, तो रॉक एंड रोल जो वर्ड था, वो कॉम्बिनेशन डांस एंड म्यूजिक का जो कॉम्बिनेशन था, वो उन्होंने ही दिया था, ठीक है, 1951 में ही. तो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया. एक मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, अच्छा अभी इसका इमेज नहीं है मेरे पास में, अभी मैं इमेज नहीं दिखा रहा हूं. आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में किस वाद्य यंत्र को शततंत्री वीणा, मतलब 100 तार वाली वीणा कहा गया है. 100 वायर. आप देखिए जनरली कितने वायर्स होते हैं, 3, 4, 1, 2, अलग अलग आप इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे अलग अलग होता है.
100 वायर वाली जो वीणा है, शततंत्री वीणा बोला गया है संस्कृत में उसको, वो कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी है, संतूर है, दिलरुबा है या सितार है? हिंट देता हूं, ये पहले बहुत ही ज्यादा ये कश्मीर में ये बजाया करते थे लोग, कश्मीरी लोग बहुत इस इंस्ट्रूमेंट का खास यूज करते थे अपने फोक सॉन्ग्स में, उस इंस्ट्रूमेंट का बहुत ही ज्यादा यूज करते थे जिसमें 100 तार वाली वीणा होती, 100 तार वाली वीणा कहा गया उसको शततंत्री वीणा। ठीक है जी, तो वो कौन सा है? सारंगी, संतूर, दिलरुबा या सितार, ये चारों जो है इंस्ट्रूमेंट के नाम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चूंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं म्यूजिक डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे, तो सारे क्वेश्चन उसी पे आधारित है। सातवां प्रश्न भी हम लोग देख रहे हैं, तीन और प्रश्न आएंगे, 10 प्रश्नों का संग्रह हमने लिया यहां पे, तीन और प्रश्न आएंगे। संतूर इज द करेक्ट आंसर, यस संतूर। संतूर में वो आप देखे होंगे दो डंडी होती है और वो पूरा उसमें 100 तार बना होता है और उसको बजाया जाता है। ठीक है, तो उसको शततंत्री वीणा, 100 तार वाला वीणा भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आठवां प्रश्न आ गया। देखिए, गांधी जी के दुखद निधन के बाद पंडित रविशंकर ने केवल 3 धुनों गा नी ध, मतलब गांधी गा नी ध, ठीक है, ये इसी को मिला के एक राग बना दिया, क्या नाम दिया गया? राग बैरागी, गांधी मल्हार, मोहन कौंस या भूपाली? एक इंटरव्यू में ऐसा था कि रविशंकर, पंडित रविशंकर के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि एक किसी कॉन्सर्ट में थे और उसमें गांधी जी की हाल ही में हत्या हुई थी, तो उनको डेडिकेट करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रविशंकर जी को कहा गया कि आप उनके लिए कौन सा कैसा कुछ म्यूजिक बजा सकते हैं क्या, तो उन्होंने ये 3 सुर जो गा नी ध होता है, जो सारे गम पद नहीं, उसका गा नी ध, इसी तीनों को मिलाकर एक राग बनाया था इंस्टेंटली। वो आप यूट्यूब पे अभी देखेंगे तो आपको मिल जाएगा वो, और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ था, और उसका नाम क्या यही पूछा जा रहा है। ठीक है, गांधी गा नी ध, तो वो राग बैरागी था, गांधी मल्हार था, मोहन कौंस था या भूपाली था, ये आपको बताना था। पंडित रविशंकर के बारे में भी हमने आपको बताया भी था कि एक ऐसे महान सितार वादक हुए हमारे इंडिया के, जिनको 5 बार ग्रैमी पुरस्कार से नवाजा गया, ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त करने वाले पंडित रविशंकर क्लासिकल म्यूजिक को एक नई ऊंचाई, नई पहचान दिलाने वाले थे। मोहन कौंस, रविशंकर ने ही उनको नाम दिया मोहन कौंस, ये आज अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप सुनिएगा उसको, पूरा 20-22 मिनट का पूरा ये म्यूजिक है, इंस्टेंटली इन्होंने इसको बनाया था, क्या गजब के म्यूजिशियन, ऐसे म्यूजिशियन पे नाज। चलिए एक इमेज दिखाते हैं आपको, देखिए बताइए किस पौराणिक चरित्र का नाम जुड़ा हुआ है इस यंत्र से? एक वाद्य यंत्र है ये, एक तरह का वाद्य यंत्र है, और इस वाद्य यंत्र को ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया का इस पृथ्वी का, प्लैनेट का सबसे पहला वायलन था। इसमें बैंबू का इस्तेमाल किया गया, ये जो आप देख रहे हैं लंबी सी लकीर, इसमें बैंबू है, और वो जो गोल वाला ऊपर में घुमाने वाला दिया हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे, वो नारियल का होता था और ये तार होता था। ठीक है, और इसमें घोड़े के चमड़े को भी लगाया जाता था। तो इस वाद्य यंत्र को किसी एक पौराणिक चरित्र, मैथोलॉजिकल कैरेक्टर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और उसके पीछे भी एक कहानी है, तो इसका आपको बताना है कि वो कौन सा चरित्र है जिसके ऊपर इसका नाम आधारित है, इस दुनिया का सबसे पुराना वायलन, इसी को दर्जा दिया गया है। जी हाँ, बताइए अभी जो आप लोगों ने इमेज देखा, ये कौन सा वाद्य यंत्र है, मतलब किस पौराणिक चरित्र के ऊपर है, वाद्य यंत्र का नाम क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा इस प्रश्न के आने के उत्तर आने के बाद। अभी आप लोग बता दीजिए किसी पौराणिक चरित्र के ऊपर इसका ये नाम है। यस, रावण, और इसका नाम है रावण हत्था। जी हाँ, रावण हत्था। चलिए एक वीडियो भी मैं निकाल के लाया हूं रावण हत्था का, मैं थोड़ी देर के लिए यहां पे पॉज करता हूं इस गेम को और मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं।
रावण हत्या, थोड़ी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। आप देखिए इसको, जब रावण Ravana Hatha is a primitive string instrument with its roots dating back to the Hela civilization of Sri Lanka. The instrument was first used during King Ravana's reign. The structure consists of a long bamboo stem at the end of which half a coconut shell is attached. To make the shell more vibration proof, it is covered by goat hide. The exclusive part of the instrument is the bejara, smoothed hair from horse tail, which makes the sound produced unique. What makes it the world's first violin is that it was the first stringed instrument to be played with a bow. And क्या आवाज आ रही है, क्या अभी मेरी आवाज आ रही है? ओह सॉरी, आई वाज म्यूटेड। 9 क्वेश्चन हो गया है, अभी आ रही है आवाज? अभी मैं वो वीडियो प्ले कर रहा था, मेरा साउंड म्यूट हो गया था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं क्या कर रहा था, हेला ट्राइब करके एक रहते था लंका में, श्रीलंका में, जिन्होंने ये बांस के बैम्बू स्टिक में ये बनाया था, और रावण भी इसको बजाया करते थे। शंकर भगवान को खुश करने के लिए ये खास ये रावण हत्ता बजाते थे, और बाद में जब वो लंका पे राम जीत जाते हैं, लंका को जो विजय हासिल करते हैं, बाद में ये हनुमान जी इस वाद्य यंत्र को लेके राजस्थान चले जाते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। तो आज राजस्थान में आप देखेंगे जो फोक डांस वगैरह होता है वहां पे ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसको हम लोग रावण हत्था के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है, काफी सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, अंतिम प्रश्न आ रहा है, ये लीजिए एक वीडियो। आपको याद भी आ गया, पहले के जमाने में जब दूरदर्शन पे वो गोल गोल घूमता था वो लोगो, तो भी ये म्यूजिक बजाया जाता था। जब रेडियो स्टेशन चालू हुआ करता था तो भी ये म्यूजिक बजता था। आज जब ये क्वेश्चन बना रहा था और जब ये म्यूजिक सुना तो पूरे पुराने दिनों के सारे याद जो है वो ताजा हो गए कि कैसे दूरदर्शन पे ये म्यूजिक बजता था, वो गोल गोल उसका दूरदर्शन का लोगो आता था, और कैसे रेडियो पे जब हम लोग ऑल इंडिया रेडियो पे जब हम लोग यस वाल्टर कॉफमैन, ये वाल्टर कॉफमैन ही थे जिन्होंने इसको बनाया था, और ये एक इजरायली व्यक्ति थे जिसको ज्यू बोला जाता है, इजरायली व्यक्ति थे, ये इंडिया आ गए थे, इंडिया में बस गए थे, और इन्होंने ही ये बहुत ही बढ़िया, इनको ऑल इंडिया रेडियो में काम भी करते थे, इन्होंने ही ये ट्यून बनाया था। और अब आपके सामने उत्तर आ गया है सारे प्रश्नों का, देखिए यहाँ पे उत्तर आ गया, और ये विनर्स की घोषणा हो गई है। क्या बात है, आज निहार रंजन जी
विनर बने हैं, पहले नंबर पे हैं, 9 सही उत्तर देके वो विनर बने हैं, और दूसरे नंबर पे है प्रख्यात प्रखर, 8 सही आंसर, और ककुल स्मृति फिर से पिछले क्विज में भी ये विनर बनी थी ककुल, मुझे याद है कृष्णा क्विज में, और आज फिर इस म्यूजिक वर्ल्ड म्यूजिक डे क्विज में भी तीसरे स्थान पर आई है ककुल 8 सही उत्तर देके। इसके अलावा भी कुछ नाम अभी हमारे सामने हैं जिसको मैं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले आप सबों से भी गुजारिश है कि ये 3 जो विजेता हुए हैं आज के इस क्विज के, इन तीनों को तो पहले बधाई दे दीजिए, आप लोग सब बधाई दे दीजिए भाई, फिर और भी लोग जितने भी लोग हैं, कुछ गाने और आप लोग अगर बोलेंगे अनुमति देंगे तो 1-2 गाने और मैं सुना दूंगा आपको जाते जाते, ठीक है जी। तो पहले यहां पे नाम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले तीनों निहार रंजन प्रख्यात प्रखर और ककुल स्मृति को बधाई हमारे तरफ से, और चौथे नंबर पे जो आए हैं मीमांसा लावण्या, 8 सही उत्तर दिया इन्होंने, प्रणवी सिन्हा, के सत्य प्रकाश, पीयूष कुमार, सृजन कुमार, गोलू सिंह धोनी, नितेश जी, भावनी भाविया सिन्हा, आयुष कुमार, वैभव सिन्हा, अंजलि कुमारी, सुशांत साकेत, ऋषित वर्मा, सौरभ कुमार, निवेदिता सिन्हा, अंकित पोद्दार, इतने लोग हैं जो स्क्रीन पर हैं, इसके अलावा और भी 12 लोग हैं जो नीचे रह गए। तो आप लोगों ने बहुत बढ़िया खेला और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग वर्ल्ड म्यूजिक डे के ऊपर हम लोग आज क्विज कर रहे थे, हमारा जो था, चूंकि म्यूजिक से बड़ा लगाव है भैया, म्यूजिक जो है ना एकदम क्या बोले, म्यूजिक के बिना जीवन अधूरा है मेरा, इसी वजह से योगा डे भी इतना इंपॉर्टेंट डे था, उसको छोड़ के हम म्यूजिक को चुने सब्जेक्ट को, क्योंकि योगा पे हम पिछली बार करा चुके थे और म्यूजिक भी एक तरह का योग है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले कुणाल जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि म्यूजिक भी अभी अपने एक अपने आप में एक बहुत बड़ा योग है, निश्चित रूप से एक योग है, तो इसी को एक योग के रूप में हम लोग लेते हैं और इसको आज हम लोग सेलिब्रेट किए। तो और एक गाना भी आपको सुनाए, हम 2 गाना सुनाए हैं, अगर आप इजाजत देंगे तो एक आध और गाना हम सुना के आपसे विदा ले लेंगे यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टुडेज क्विज वॉज रियली अमेजिंग, गॉट लॉट्स ऑफ न्यू नॉलेजेज, अच्छा ग्रेट। चलिए जब तक आप लोग इनको बधाई दे दीजिए, सीमा जरूर, अच्छा एक किशोर कुमार का मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मैं आप सबों को वो सुनाता हूं, अच्छा लगेगा तो। कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। थैंक यू कुणाल जी, हृदय से इच्छा भी आप जुड़े हमारे साथ, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं मैं कहूंगा 5 मिनट और जुड़े रहिए। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहां उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहां उड़ चली ओ हंसिनी मेरी हंसिनी, कहां उड़ चली मेरे अरमानों के पंख लगा के, कहां उड़ चली। बताइएगा भाई अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, आवाज ठीक ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, लाइक भी कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। और मैं जल्दी सेटअप लेने वाला हूँ पूरा म्यूजिक का, वो सेटअप जो होता है ना, क्योंकि बड़ी इच्छा है और वो इच्छा को आप दबा के नहीं रख सकते, सेटअप लगाऊंगा और आप लोग को अच्छे अच्छे गाने भी सुनाऊंगा।
ठीक है, किशोर कुमार जी का ये मेरा फेवरेट सॉन्ग। आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा, हो आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा खजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। हाँ थैंक यू काफी सारे लोग यूट्यूब पे थैंक यू लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। टीचर के साथ सिंगर भी हैं आप नयन जी, थैंक यू जी। हाँ गाना क्या बोले, म्यूजिक मेरा लाइफ। देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा, हो देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। कहाँ उड़ चली। थैंक यू आई होप कि आप सबों को पसंद आया होगा मेरा ये प्रयास। पहली बार लाइव आके गाया हूँ, हो सकता है थोड़ी त्रुटि रही होगी, माफी चाहता हूँ। फिल्म का नाम बताया जाए। ढूंढ लीजिएगा सर फिल्म का नाम, किशोर कुमार जी का सॉन्ग है ये। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने लिखा मजा आ गया, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से विदा लेने का वक्त आ गया है, आप सबों से विदा लेना चाहता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आज का क्विज पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज था वर्ल्ड म्यूजिक डे, इसलिए म्यूजिकल क्विज लेके आया था आप सबों के बीच। तब तक अपना ख्याल रखिए और कोरोना से बचे रहिए। अभी भी कोरोना का खतरा जो है, ये तीसरी लहर जो आने वाली है उसकी एक सूचना दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बिल्कुल भी असावधानी न बरतें, जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं, अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं और वैक्सीन नहीं लिए हैं तो आप ज़रूर वैक्सीनेशन कराइए, कोई खतरा की बात नहीं है, कोई इसमें अफवाह में मत पड़िएगा। तो विशाल भारती लिख रहे हैं वन मोर सॉन्ग। अच्छा वन मोर सॉन्ग, चलिए वन मोर सॉन्ग देखता हूँ कौन सा गा सकता हूँ अभी। हम्म,
चलिए एक सुनाता हूँ तब फिर, जब आपने कह दिया है तो एक सुना ही देता हूँ। मेरा बहुत ही दिल के करीब है ये सॉन्ग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। सुरेश वाडेकर जी का गाना और वर्ल्ड म्यूजिकल डे के अवसर पे खास ये मेरे तरफ से आप सभी को समर्पित। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी। हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, हो गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, हो गले लगा ले। थैंक यू, थैंक यू। आई होप कि आप सबों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज आप बता दीजिए कि आपको पसंद आया। ये एक सुरेश वाडेकर साहब का गाना, हालांकि इसको फिर से अभी अरिजीत सिंह ने इसका अनप्लग्ड वर्जन भी गाया, बहुत ही बढ़िया। उसी का मैं ये भी ट्रैक अभी बजाने के मैंने आप सबों के बीच गाने की कोशिश की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, सभी ने लिखा है, थैंक यू। चलिए अब आप सबों से विदा लेने का वक्त आ रहा है। आज हालांकि गाना गाने का बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था, म्यूजिकल क्विज था, क्विज का थीम ही था वर्ल्ड म्यूजिक डे, इसी वजह से आप सबों के बीच गाना गाए हैं। बुरा लगा हो, अच्छा लगा हो, जो भी लगा हो, कोशिश किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ थोड़ा लाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है जी। आज अब यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूँ, आप सबों से मिलूंगा जल्दी ही अगले क्विज में। तो मैं बात कर रहा था कोरोना प्रोटोकॉल्स की, हाथ धोते रहिए, दूरी बनाए रखिए, मास्क पहने रहिए और बचे रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं रविकांत घोष आप सबों से विदा लेता हूँ यहीं। जितने भी दोस्त हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप सबों को फिर से सैल्यूट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद।